जो नगरोटा संघर्ष समिति की तरफ से सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको हमने नगरोटा में एक रेगुलर फीचर बना दिया हुआ है। और बेसिकली हम इस प्रोग्राम में एक 3D फार्मूला लेके चल रहे हैं। वो 3D फार्मूला क्या है? एक डेडिकेटेड डिफेंसिव अप्रोच टू डिफीट कोरोना। डेडिकेटेड का मतलब यह है कि आज के दौर में जो हम ये जो SOPs वगैरह हैं इसका पालन तरीके से करें। डिफेंसिव रहने का यह मतलब नहीं कि हम कोरोना से डर के रहें। कोरोना से डर के रहने का मतलब यह है कि हम जो SOPs हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें, मास्क का प्रॉपरली यूज़ करें, अपने घरों में भी सैनिटाइजेशन करें। अगर किसी को सैनिटाइजेशन मटेरियल की ज़रूरत है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है, गर्मियों में बाज़ारों में तो हम कर रहे हैं। अगर कोई पर्सनली अपने घर के लिए लेना चाहता है तो वो भी हम उसको यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम जब घर का जो खासकर मैं रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ, रूरल एरियाज में मैं एक अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि कोरोना जो है वो अब गांव की तरफ चल पड़ा, जे मान के आपको चलना चाहिए। और कोरोना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब घर का जो मुखिया होता है उसको अब सुबह उठ के एक प्रोग्राम चार्ट आउट करना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, कभी मैं उसको अंदर रख के आया हूँ। भैया आप दिन भर मास्क को बाहर पहनते हो, बाहर पहनते हो, उसके बाद क्या करते हो, बेडरूम में रख देते हो जाके घूम के। ये तरीका गलत है। जहाँ उस मास्क को अगर आपने रखना धूप में रख दो, उसको वाश करो अच्छे तरीके से। अगर वो उसको रीयूज करने वाला है तो उसको वाश करके दोबारा उसको धूप में रखो, उसको वहीं पर। ये नहीं कि उसको बाहर से घूम के जाओ और वो मास्क आप अपने बेडरूम में लेके जाओ, बाहर से इन्फेक्शन अंदर है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि जो डिस्पोजेबल मास्क है उनको दिन में 3-3 बार वाश करके वो उसको लगा रहे हैं। उसके बाद नगरोटा हमारा जो PSC सेंटर, जैसे हमने पहले भी कहा, जो सबसे बढ़िया काम कर रहा है और इसके काम के ऊपर कुछ लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं। नुक्ताचीनी का मतलब ये नहीं कि जैसे अब एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है अडल्ट के लिए तो चल रहा है 45 साल से ऊपर, लेकिन डॉक्टर की एक जजमेंट जो थी वो उसको कोई चल ही नहीं कर सकता। अगर कोई पेशेंट 18 साल वाला आ जाता है, अगर उसको लगता वो किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आया या कोविड वार्ड में चला गया, किसी के साथ वो अटेंड कर रहा है, तो अगर उसको लगता है यार मैं कहीं एक्सपोज हो गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वैक्सीनेशन, अगर डॉक्टर किसी एरिया का उसको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन कर दे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और मुझे मीडिया वाले भाइयों से भी यह अपील है कि वो इस तरह के मसले मत उछालें। डॉक्टर इज द बेस्ट जज और उसकी जो असेसमेंट होती है उसको ऊपर कोई लाशन ना लगा जाए। आज हमने संघर्ष समिति का, ये मेरा ऑफिस कार्यालय, आज इसको हमने कन्वर्ट कर दिया संघर्ष समिति नगरोटा। तो आज पहले हम ये चला रहे थे सैनिटेशन का पूरा काम, हम एक हफ्ता हो गया जो कर रहे हैं। आज तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी नगरोटा संघर्ष समिति की तरफ से माननीय श्री मनोज सिन्हा जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं हमारे, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमने पेपर में पढ़ा कि उन्होंने रूरल हर पंचायत में 1-1 लाख रुपया दिया है। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने नगरोटा वासियों की तरफ से और रूरल एरिया की तरफ से, ब्लॉक डंसाल, ब्लॉक बलवाल और तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि रूरल एरिया में जैसे जैसे ये केस बढ़ रहे हैं तो गवर्नर साहब की पूरी कोशिश है कि रूरल एरिया में ये ना बढ़े। उसके लिए जो उन्होंने ये कदम उठाया है उसके लिए हम उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। और साथ ही नगरोटा संघर्ष समिति की तरफ से कल हमने, जैसे हमें आजकल है, कल राणा साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारी हुई तो कुछ हमने बातें कही, कुछ सुझाव उन्होंने हमें डायरेक्शन दी, तो उन डायरेक्शनों पर भी हम पहले भी चल रहे हैं और जो उन्होंने बातें बताई उन पर भी चल रहे हैं। कल के पेपर में मैंने पढ़ा था कि ब्लड की कमी आ गई है, तो मैं आज संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ से करता हूँ अपने नौजवान जंग जो हमारे इसके मेंबर हैं उनसे गुजारिश करूंगा, हम एक थोड़े दिनों में एक ब्लड डोनेशन कैंप इधर लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें ताकि हम गरीब लोगों की जिनको ज़रूरत है इस समय तो उसमें हम उनकी मदद कर सकें। मैं एक बार फिर इस समिति की तरफ से अपील करता हूँ सबसे, जो हमारे सरपंच पंच जीत के आए हैं, मैं कम से कम उनके एक अपील करूंगा कि ज़्यादा नहीं भाई, आप SOP का पूरा पालन करते हुए कम से कम पंचायत घर खुलना चाहिए। सरपंच जी एक दिन बैठे, नायब सरपंच जी एक दिन बैठे, उनका मेंबर एक एक दिन बांट ले, तो सब पंचायतों से मैं
इस वक्त अपील करूंगा कि इस वक्त हमारा फर्ज बनता है, कोई भी अगर गरीब जिसको इमरजेंसी जरूरत पड़ी, लॉकडाउन है, जम्मू नहीं जा सकता, और मैं इधर से कहूंगा कि जो भी ज़रूरत होगी हम उसके लिए जितना हमसे होगा पूरा करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन का सोच रहे हैं तो ऑक्सीजन का भी हम अरेंज कर रहे हैं इधर, जिसको इमरजेंसी का होगा तो हम करेंगे।